अगर आप भी वीडियोस बना बना के थक चुके हैं, आपकी वीडियोस वायरल नहीं हो रही, आपके व्यूज नहीं आ रहे, काम भी अच्छा कर रहे हैं, तो आज मैं आपको दो सेटिंग्स बताने जा रहा हूं जो कि मैंने भी की हैं। मेरा चैनल भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा व्यूज डाउन हो चुका है, आज से मैंने वो सेटिंग की है, वो आपको भी दिखाऊंगा, बताऊंगा प्रूफ के साथ। इंशाल्लाह आज की ये वीडियो होगी, मैं आपको बताऊंगा कि आप भी अपने चैनल की कैसे सेटिंग कर सकते हैं। दो ऐसी प्राइवेट सेटिंग है जिसको आप करके मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा सेटिंग करने का, जिसको आप मुकम्मल करके अपने चैनल को कंप्लीट करके आप भी अपनी वीडियोस पर व्यूज ला सकते हैं, आपका चैनल भी रिकमेंडेशन में जाएगा, आपकी वीडियोस भी रिकमेंडेशन में जाएंगी, आपके व्यूज भी सजेस्टेड व्यूज आएंगे और आपकी वीडियो सर्च में भी आएगी, मैं आपको गारंटी से कहता हूं। तो आज की वीडियो में मुकम्मल तरीका आपको गाइड करूंगा। आज की वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद यूट्यूब के हवाले से टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले तो आपने अपने चैनल की YT स्टूडियो ऐप को ओपन करना है। ये आपको YT स्टूडियो ऐप में सही तरीके से शो होंगी सेटिंग्स जो मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद अपनी जो सेटिंग्स हैं वो YT स्टूडियो में देखी हैं। तो आपने YT स्टूडियो में जाना है, एनालिटिक में आपने चले जाना है, एनालिटिक में जाने के बाद आपने चले जाना है रेवेन्यू के अंदर। ठीक है, रेवेन्यू के अंदर आपने सबसे पहले तो जाकर अपना रेवेन्यू चेक करना है। आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आपने रेवेन्यू के अंदर नहीं जाना, आपने जाना रिसर्च के अंदर। तो जैसे ही आप रिसर्च के अंदर जाएंगे, वहां पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको चैनल्स का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आपको बताया जाएगा कि आपने सबसे पहले तो क्या करना है। देखिए, दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को चेक करने के लिए। आपने 3 से 4 किस्म का कंटेंट अपने चैनल पर अपलोड करना है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि चैनल पर आपने एक ही कंटेंट रखना है, जब आपका चैनल डेड हो जाए या आपके व्यूज नहीं आ रहे तो आपने करना क्या होता है, आपने पहले अपने चैनल पर वो कंटेंट लाना है जिस पर आपने चैनल बनाया, जो आप शौक रखते हैं। अगर वो नहीं चला तो आपने दूसरा कंटेंट लाना है, दूसरा कंटेंट नहीं चला तीसरा लाना है, तीसरा नहीं चला चौथा लाना है, चार कंटेंट आपने लाने हैं, चार किस्म की आपने वीडियोस बनानी है। उसके बाद आपके चैनल के अंदर एनालिटिक के अंदर चैनल्स भी शो हो जाएंगे, कुछ आपके चैनल के अलावा चैनल्स होंगे और कुछ आपके चैनल्स की वीडियोस के अलावा कुछ ऐसी वीडियोस भी आ जाएंगी जो आपके एनालिटिक में शो होंगी। उससे आपका फायदा क्या होगा, आपको मैं साथ साथ प्रूफ दिखा रहा हूं, स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, आप देख रहे होंगे कि किस तरह के आपको ऑप्शन मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप कंटेंट चेंज नहीं करेंगे तो आपको ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले, क्योंकि YouTube आपके एनालिटिक को तब ही अप्रूव करता है, आपके जो अल्गोरिथम है YouTube का, जब आप 2-3 चैनल्स 2-3 कंटेंट पर वीडियो बनाते हैं तो आपको अब YouTube एनालिटिक के अंदर शो कर देता है कि आपके जो व्यूवर्स हैं, आपकी जो वीडियोस हैं वो कहां कहां जा रही हैं और किस तरह के लोग आपकी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं। मतलब आपके चैनल में वहां पर जो चैनल शो होंगे वो ऐसे चैनल होंगे जो फुल वायरल होंगे, जो मार्केट के अंदर जो इस वक्त YouTube पर फुल वायरल जा रहे होंगे और अच्छा व्यूज आ रहा होगा, तो आपको वो चैनल्स शो होंगे। तो जब आप 2 या 3 किस्म का 4 किस्म का कंटेंट अपलोड करेंगे तो उसी हवाले से आपके चैनल आ जाएंगे, आपको एक किस्म के चैनल में आएंगे। 4 कंटेंट आपने अपलोड किए, आपको एक किस्म का कंटेंट वहां पर चूज हो जाएगा, आपको एक किस्म के कंटेंट के चैनल मिल जाएंगे और एक ही किस्म के कंटेंट के आपको वीडियोस नीचे मिल जाएंगी, वहां पर चैनल्स भी दिए होंगे कि इन वीडियोस के नीचे आपकी वीडियो आई है। ठीक है, तो आपको वहां पर एनालिटिक के अंदर बता दिया जाता है अब YouTube की जानिब से। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप 3 से 4 कंटेंट अपलोड करें, आपको वहां पर बता दिया जाएगा जो वहां पर वीडियोज आएंगी या जिस किस्म के चैनल आएंगे, आप भी उसी किस्म के चैनल पर काम करें। तो मैंने भी, आप जाकर देखें मेरे चैनल पर ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से आपको वीडियोस मिलेंगी, आपको YouTube टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से वीडियोस मिलेंगी, आपको व्लॉग्स के हवाले से वीडियोस मिलेंगी। तो मैंने भी ये तजर्बा किया, आप जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल को ओपन करें, जाकर चेक कर लें, मैंने व्लॉग्स भी डाले हैं, मैंने ऑनलाइन अर्निंग पर वीडियो डाली है, मैंने यूट्यूब पर डाली है, टिप्स एंड ट्रिक्स पर डाली है। तो आप देख लें, मेरा जो है वो यही है कि मैं YouTube ट्रिक्स एंड टिप्स पे वीडियो बनाऊंगा तो मेरी वीडियोस वायरल होंगी, उन पे अच्छा व्यूज आएगा, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखना चाहते हैं और YouTube मेरी वीडियोस भी टिप्स एंड ट्रिक्स के जो चैनल हैं उनकी वीडियोस के नीचे, उनके चैनल पे जब वीडियो कोई चलती है तो उनकी वीडियोस के नीचे मेरी वीडियोस आ रही है, रिकमेंडेशन व्यूज आ रहे हैं। तो इस वजह से मैं काम करूंगा अब YouTube टिप्स एंड ट्रिक्स पे, तो मेरा व्यूज भी अच्छा आएगा। आप भी जाकर चेक करें, आपका जो कंटेंट आता है आप उस पर काम करें, इंशाल्लाह आपकी वीडियो भी वायरल होगी। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन फुल मैंने बनाई इसीलिए ताकि आपका अच्छे से फायदा हो जाए, आपको भी पता चल जाए एनालिटिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।